वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप लोग देख सकते हैं मैंने ग्रीन पिंक ड्रेस पहना है और सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, क्योंकि मैं आई हूँ रमजान ट्रांसमिशन में। और यहाँ पर इंशाल्लाह आज बहुत कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे, हो सके मैं नाथ भी पढ़ूँ। अगर आप लोगों ने ट्यून नहीं किया, क्या नाम है, ओब्वियसली आप लोग लाइव नहीं देख सकोगे, क्योंकि जब एडिटिंग होगी उसके बाद जाकर, एडिट होने के बाद मेरा ब्लॉग आएगा, कल आएगा, तो आप जाकर यूट्यूब पर मेरा आज का जो है जिस शो में मैं आई हूँ वो सारा आप लोगों ने देखना है। तो मैं आई हूँ पैगाम रमज़ान जो है रमज़ान ट्रांसमिशन यू की उसमें। और ये जो मेरी सारी लुक है, ये सना ने मेरा मेकअप किया है और जो वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट है मेरे भाई, उन्होंने मेरे हेयर टू उन्होंने किया और सना ने मेरा दुपट्टा सेट किया। तो ऑलवेज मुझे उनका मेकअप बहुत पसंद है, तो मुझे इसलिए आपने लोग भी बहुत अच्छी लग रही है। तो दूसरा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोगों ने ये बताना है कि ओके मेरे मेकअप उन्होंने कैसे किया, वो वीडियो भी मैंने इसमें डाली है, और आई लैशेज कैसे लगाई, वो मेरे बालों कैसे कर्ल्स कर रहे थे। तो मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, किसी भी शो में जाती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी दिखाऊँ। सो गाइस, ये ब्लॉग आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि मैंने मेकअप कैसे किया, आई लैशेज कैसे मेरी लगाई गई और मेरे हेयर डू कैसे हुआ, दुपट्टा कैसे सेट हुआ, मैंने सारी चीज़ें इस ब्लॉग में दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने स्किप कर करके आगे नहीं जाना है, इसलिए सारा ब्लॉग देखना, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ रोज़ा मैंने रखा हुआ है अपनी रमजान ट्रांसमिशन जो हैंड एम ब्लॉग पर मैं करती हूँ रोज़ाना, वो अभी कर आई हूँ। और फिर अभी ये वाली ट्रांसमिशन में मैंने गेस्ट बैठना, उसके बाद वापस घर जाना है, फिर इंशाल्लाह कुछ और नया शूट करूँगी आप लोगों के लिए। तो इसलिए बस रमज़ान माशाल्लाह बिजी और ब्लेस्ड जा रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान भी इतना ही अच्छा गुजरा होगा। और मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक इसको बरकत मिलने दे सके, हम सब की जिंदगियों में बरकतें अता फरमाएं और आने वाले जो दिन हैं वो भी इतने ही अच्छे गुजरे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने थोड़े सी क्या नाम है वीडियो तेज़ भी किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर सकूं। और सना मेरा मेकअप कर रही है और ये आईज़ के कॉर्नर पे जो है वो डार्क कलर लगा रही है। और ये देखें भाई किस तरह हम बाल मेरे कर्ल्स कर रहे हैं। ये देखें आयरन ऊपर से पकड़ा पहले, एक दफ़ा स्ट्रेट किए, देखें बीच में माइक आ गया था, और फिर ये ऐसे करके नीचे से थोड़ा सा घुमा दिए, तो इससे बिल्कुल ये देखें स्ट्रेट कर्ल्स, इससे बहुत अच्छे आयरन कर्ल्स आप घर पे भी डाल सकते हैं। और ये देखें कितना इजी है कर्ल्स डालना। और साथ में वो आईज़ में ज़्यादातर कोशिश कर रही हैं कि नेचुरल जो ब्राउन कलर है उसके साथ मेरी आईज़ बनाएं, क्योंकि आप लोग भी ये वाली आँख जो है वो इस तरह की आँखें सॉफ्ट वाले मेकअप आप कर सकते हैं ई डे वन पे, डे टू, डे थ्री, जब भी आपका दिल करे। और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। और साथ में मैचिंग की ज्वेलरी पहन रही हूँ, और मैंने कोशिश की थी कि मैं लाइट ही ज्वेलरी पहनूँ, क्योंकि मेरा ड्रेस हैवी था। जब ड्रेस हैवी हो तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि लाइट चीज़ें पहने, और ग्लासेस भी पहन के मैं चेक कर रही थी ऐसे, क्योंकि सारा कुछ पिंक पिंक था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। देखें दूसरे साइड पे भी वो अब मेरे कर्ल्स कर रहे हैं, और ये आई लैशेज उन्होंने मेरी सेट कर दी। और कर्ल्स का बस यही तरीका है कि आप ऊपर से स्ट्रेट लेकर आओ और नीचे से थोड़ा सा आयरन जो है उसको वेव कर दो। ये देखें तो एकदम से आपके एक अच्छे से खूबसूरत से कर्ल्स डल जाते हैं। और ये आप घर पे खुद डालें, आपने किसी बहन को कि वो डालें, और ईद पे कंप्लीट आपने एक खूबसूरत सी लुक आपकी बन जाएगी। और अभी देखें क्या नाम है, मैं आप लोगों को लुक भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह कंप्लीट, और मैं पिक्चर्स भी यहाँ पर शेयर करती हूँ ताकि आप लोग देख लें कि कैसी लुक निकली थी मेरी। और ये देखें ये स्टिल अभी तक वो लगे हुए हैं। ये सना अब लिपस्टिक लेकर आई है और मुझे कह रही है कि नेचुरल से फिर लिपस्टिक है ना तुम्हारे लिए। ये देखें नीचे आइज़ के नीचे कलर रखा था, वो उन्होंने डस्ट कर दिया है, और ये डस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप भी कोशिश किया करेंगे जब मेकअप करें तो आइज़ के नीचे थोड़ा सा पाउडर रखा करें, लूज़ पाउडर, उसको आप बाद में डस्ट कर लें, ताकि मस्कारा वगैरह लगाते हुए कुछ भी अगर ब्लैक नीचे गिरा तो वो डस्ट हो जाए। और ये ऊपर हल्का सनून लाइनर लगाया है, और ये अब लिपस्टिक बिल्कुल नेचुरल से कलर की लिपस्टिक ये लगा रही है मुझे। तो ये लिपस्टिक बाद में मुझे मैंने चेंज कर ली थी, पिंक कर ली थी कुछ पिक्चर्स के बाद। ये देखें अब मैं इनसे कहूँगी कोई ट्विस्ट वगैरह बना दें, क्योंकि मैंने तो ट्रांसमिशन में बैठना है। आप भी चाहें आप ट्विस्ट बनवा लें या कोई पोनी वगैरह कुछ करवा लें आगे,
ताकि बाल बार बार मुंह पर नहीं आए। तो उससे पहले कोशिश करें वो पिक्चर पिक्चर बनवा लें इस तरह के बालों में खुले में। ये देखिए मैं अपना आईलैशेस बॉक्स रख रही हूँ और ये मैंने कहा प्लीज़ आप मेरा ट्विस्ट एक कर दे। शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी और ये है मेरी फाइनल लुक। और मैंने सफ़ेद दुपट्टा लिया है और साथ में मैंने बाल कर्ल्स करवा कर थोड़ा सा यहाँ से ट्विस्ट बनवाया है। और आईज का मेकअप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।